नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे द वैक्सीन वॉर के डे वन मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2023 और आज के दिन तीन बड़ी मूवी का क्लैश एक साथ हुआ है, जो तीनों मूवी अलग अलग जॉनर की है। वहीं इसमें जो फुकरे 3 और द वैक्सीन वॉर मूवी है वो हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है और चंद्रमुखी 2 एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है लेकिन इसको हिंदी में भी रिलीज किया गया है और ये मूवी एक हॉरर मूवी है। इसमें जो वैक्सीन वॉर मूवी है, इस मूवी को विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्ट किया गया है और प्रोड्यूस किया है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स द्वारा। द वैक्सीन वॉर मूवी के स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, रायमा सेन, सप्तमी गौड़ा और अनुपम खेर जैसी बढ़िया स्टार कास्ट देखने को मिली है। विवेक अग्निहोत्री की ये मूवी कोरोना काल में वैक्सीन बनने की कहानी दिखाती है। हाल में शाहरुख खान की फिल्म जवान भी सिनेमा घरों से नहीं उतरी है और थिएटर पे भी विकी कौशल की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली भी चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि वैक्सीन वॉर मूवी कितने टिक पाती है। आज रिलीज हुई तीनों फिल्मों के लिए बहुत ही बड़ा दिन रहने वाला है और बहुत ही बड़ा भी रहेगा क्योंकि ये तीनों फिल्मों के साथ दो मूवी और भी चल रही है तो टोटल बॉक्स ऑफिस पर 5 मूवी चल रही है। इसमें द वैक्सीन वॉर का फर्स्ट डे का कलेक्शन निकल कर आता है 3 से 5 करोड़ रुपये तक का। आगे ये मूवी कितना कमाल कर पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आगे भी द वैक्सीन वॉर मूवी के डे बाय डे के कलेक्शन जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।